हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की मैराथन की क्लास। ठीक है, मैराथन यानी कि आज हम इस क्लास में पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है उसका हम रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास जो है वो आपकी रिविजन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ठीक है, आपका एग्जाम आ रहे हैं और हमने जो सीरीज़ चलाई है जहाँ पे हमने 2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हमने उनको भी सॉल्व किया है और क्वेश्चन के साथ साथ हमने हर चैप्टर का रिविजन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की रिविजन की क्लास। इससे पहले हमने इसके 2023 में कैसे क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से वो हमने देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे उन चैप्टर्स का उन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो इस चैप्टर से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिन टॉपिक से, उन टॉपिक्स के बारे में आज हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देती हूँ। हिंदी नारी जो है वो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होते हैं वो सब हमारे टेलीग्राम पे ही अपलोड होते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हर्षिता राठौर UGC नेट फैकल्टी मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए तो आप हर्षिता राठौर UGC नेट फैकल्टी सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे मेरा जो ग्रुप है वो दिख जाएगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करती रहती हूँ। कुछ भी नई वैकेंसीज आती है वो मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ भी हमको है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, क्विजेस की प्रैक्टिस करनी होती है, सब कुछ मैं मेरे ग्रुप में ही पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहला जो आपका चैप्टर में अगर आप देखोगे टॉपिक का नाम, तो टॉपिक का नाम आपको दे रखा है SDG गोल्स एंड MDG गोल्स, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ इन गोल्स से, ये जो टॉपिक है ना आपका SDG और MDG गोल, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ ये इजी टॉपिक भी है। बस आपको क्या करना है, जो गोल्स है उनको सीक्वेंस में लर्न कर लेना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कौन सा यहाँ से MDG गोल है आपका या फिर इनमें से कौन सा आपका SDG गोल नहीं है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको जितने भी गोल्स हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज लर्न होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं SDG गोल्स यानी कि सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट गोल्स से। सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हमारे पास में 17 गोल्स हैं। ठीक है, 17 गोल्स हैं और 169 इसके टारगेट्स हैं। ठीक है, 169 टारगेट्स हैं और 17 इसमें गोल्स हैं। ये शुरू कब से हुआ था, ये 15 साल के लिए आया था और इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था 2015 से 2030 तक। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अभी तक ऑनगोइंग है, अभी भी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, तो 17 गोल्स है, 169 इसके टारगेट्स है और 15 साल के लिए आया था 2015 से 2030 तक। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आपके 1 से लेकर 17 तक कौन से हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपका गोल आता है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी यानी कि हमको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। नो पॉवर्टी क्या है, नो पॉवर्टी है कि हमको पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है उसको हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, फिर नो हंगर यानी कि भुखमरी जो है हमको उसको भी रिड्यूस करना है। थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि हमको हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, हमको सभी लोगों की जो हेल्थ है वो हमको इम्प्रूव करनी है। तो हेल्थ पे फोकस करने की बात करती है थर्ड गोल हमारा। फोर्थ गोल बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन मतलब हमको सभी बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो भी हम बच्चे को एजुकेशन देंगे वो क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि अच्छी एजुकेशन हमको बच्चे को देनी है। ठीक है, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी यानी कि मेन और वुमेन का जो इक्वल रेशियो है वो हमको बच्चे को बताना है कि मेन इज इक्वल टू वुमेन, यानी कि जो मेन होते हैं और जो वुमेन्स होती है वो इक्वल है, उनके बीच में जो अनइक्वलिटी है वो हमको रिड्यूस करनी है और हमको जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, सिक्स्थ वाला गोल क्या बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है आपका सिक्स्थ वाला गोल। सेवेंथ गोल बात करता है आपकी क्लीन एनर्जी की, क्लीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है सेवेंथ गोल। एट्थ गोल बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है आपका एट्थ वाला गोल। नाइन्थ वाला गोल बात करता है इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बात करता है आपका नाइन्थ वाला गोल। ये जस्ट कीवर्ड है। ठीक है, पूरे पूरे गोल्स जो है वो तो काफ़ी बड़े बड़े लाइंस में लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट में कीवर्ड्स में लेकर आई हूँ ताकि आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स लर्न हो जाए और आप इन कीवर्ड्स को अगर एग्जाम में देखो तो आप पहचान जाओ कि भाई अगर क्लीन वाटर है तो वो आपका सिक्स्थ वाला गोल है, अगर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो वो आपका नाइन्थ वाला गोल है। ठीक है, ये सिर्फ कीवर्ड्स है।
टेंथ है आपका गोल रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कौन सी है? इनइक्वालिटी मतलब वो मेन और वुमेन वाली इनइक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है कि जो देश है जहाँ पे हमारे पास में डेवलप्ड नेशंस है, हमारे पास में डेवलपिंग नेशंस है, हमारे पास में अंडर डेवलप्ड नेशंस है, तो ये देशों के बीच में जो इनइक्वालिटी है हमको उसको रिड्यूस करना है। मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस नहीं करना है। उसकी बात तो हमने ऑलरेडी कर ली है यहाँ पे, है ना, जेंडर इक्वालिटी फिफ्थ वाले गोल में हमने उसकी बात ऑलरेडी कर ली है। टेंथ वाला गोल बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमको यहाँ पे देशों के बीच में तो इनइक्वालिटी है, कोई कोई देश है जो कि डेवलप्ड है जिनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है, कुछ देश है जो कि अंडर डेवलप्ड है जिनके पास में बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है। इसको हम हैव्स और हैव नॉट की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो देशों के बीच में जो इनइक्वालिटी है ये हमको है ना रिड्यूस करनी है, ये बताता है आपका टेंथ वाला गोल। ठीक है, इलेवेंथ गोल बात करता है सस्टेनेबल सिटीज की, हमको सस्टेनेबल सिटीज को डेवलप करना है। ट्वेल्थ वाला गोल बात करता है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, जो हमको कंजम्पशन करना है और जो हमको प्रोडक्शन करना है वो हमको सही तरीके से देख के करना है, वो बात करता है ट्वेल्थ वाला गोल। थर्टींथ गोल बात करता है क्लाइमेट एक्शन की। फोर्टींथ गोल बात करता है लाइफ बिलो वाटर। फिफ्टींथ गोल बात करता है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर क्या है कि पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु है हमको उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, हमको उनको किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना है। लाइफ ऑन लैंड क्या है कि लैंड पे जो भी जीव जंतु रहते हैं हमको उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, फिर सिक्सटींथ गोल बात करता है पीस एंड जस्टिस की, कि हमको देश में समाज सोसाइटी में पीस और जस्टिस मेंटेन करके रखना है। और सेवनटींथ और जो लास्ट गोल है आपका वो बात करता है किसकी, ग्लोबल पार्टनरशिप की, कि सभी देश में मतलब पूरे विश्व में ग्लोबल पार्टनरशिप की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये है आपके टोटल 1 to 17 गोल जो कि आपको इसी सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये आपके हैं है ना सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट गोल्स जो कि 15 सालों तक आए थे, 2015 से 2030 तक। ठीक है, अगले आते हैं हमारे पास में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ये भी आपके 15 सालों के लिए ही थे लेकिन इनका टाइम पीरियड जो है वो आपका फिनिश हो चुका है। ये आए थे आपके 2000 से लेकर 2015 तक। ठीक है, 2000 से लेकर 2015 तक था इनका टाइम पीरियड, लेकिन 2015 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे इनका टाइम पीरियड आपका फिनिश हो गया था। तो फिर हमने 2015 से शुरू करे थे सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट गोल्स जो कि अभी आपके चल रहे हैं, वो भी 15 साल के लिए ही हैं। वो शुरू हुए थे 2015 से 2030 तक, ये शुरू हुए थे 2000 से लेकर 2015 तक। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके पहले आए थे, फिर ये खत्म हो गए, इनका टाइम पीरियड जो है वो फिनिश हो गया। तो फिर हमने शुरू करे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आने वाले और 15 सालों के लिए। ठीक है, जो जैसे कि मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे पास में 17 गोल्स थे, वैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमारे पास में 8 गोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 8 गोल्स हैं। अब ये 8 गोल्स भी कौन से हैं वो आपको सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए। सबसे पहला गोल कौन सा है, सबसे पहला गोल बात करता है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को हमको रिड्यूस करना है, भुखमरी और गरीबी को हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, पहला गोल है। दूसरा बात करता है प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ पे हमने देखा था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे है प्राइमरी एजुकेशन, छोटे बच्चों वाली जो एजुकेशन होती है प्राथमिक शिक्षा उसको हमको अचीव करना है। ठीक है, थर्ड गोल बात करता है आपका जेंडर इक्वालिटी की, हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर इक्वालिटी की बात हुई है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर इक्वालिटी की बात हुई है, यानी कि हमको बताना है कि मेन और वुमेन जो है वो इक्वल है, उनके बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव यानी कि इनइक्वालिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए बिटवीन मैन और वीमेन। ठीक है, दोनों जो है वो इक्वल है, तो हमको जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। फोर्थ वाला जो गोल है वो बात करता है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करता है कि हमको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है शिशु मृत्यु दर जो है वो हमको रिड्यूस करना है। फिफ्थ वाला गोल जो है वो बात करता है इम्प्रूव मैटर्नल हेल्थ, मैटर्नल हेल्थ जो है उसको भी हमको इम्प्रूव करना है। फिर आपका जो सिक्स्थ गोल है वो क्या बात करता है, सिक्स्थ गोल जो है वो बात करता है कॉम्बैट एचआईवी एड्स एंड मलेरिया डिजीजेस, जो भी आपकी बीमारियां हैं एचआईवी एड्स जैसी जो बीमारियां हैं इनसे भी हमको हमारे देश को बचाना है। सेवन्थ वाला गोल बात करता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। और एट्थ और जो लास्ट वाला गोल है वो आपकी बात करता है ग्लोबल पार्टनरशिप की, कि हमको विश्व के अंदर ग्लोबल पार्टनरशिप की भावना को जगाना है, उसको बनाए रखना है। ये आपके टोटल 8 गोल्स है जो कि आते हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको सारे गोल्स जो है वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है एयर पॉल्यूशन का। आपके आपने देखा होगा आपके सिलेबस में काफी सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दे रखे हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है ना, काफी सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। तो हम जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं हम सिर्फ उसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है, सारे नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दो ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। ये जो वर्ड दे रखा है पोल्यूशन, इसका मतलब क्या है। पोल्यूशन मतलब होता है कि कुछ भी अननेसेसरी चीज होती है,
चाहे वो आपके एयर में हो, अगर एयर में अननेसेसरी चीज आ जाती है, यानी कि अनवांटेड ऐसी चीज जिसकी जरूरत हमको नहीं है, अगर वो चीज आपके एयर में प्रेजेंट होती है तो आपका एयर पॉल्यूशन कहलाता है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? अगर पानी में कुछ अनवांटेड चीज आ जाती है, यानी कि अननेसेसरी की चीज अगर आपके पानी में आपको मिलती है जिसकी जरूरत पानी में नहीं है, हो सकता है बहुत सारे केमिकल्स हो पानी के अंदर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो जिसकी हमको जरूरत नहीं है पानी के अंदर, लेकिन फिर भी वो है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पानी को पल्यूट कर रहे हैं, तो वो आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही नॉइस पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन मतलब नॉइस में जो आपकी है ना ध्वनि है उसमें काफी ज्यादा अननेसेसरी की नॉइसेस प्रोड्यूस हो रही है, अननेसेसरी का साउंड आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, जिसकी जरूरत हमको नहीं है, वो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, तो वो आपका नॉइस पॉल्यूशन हो गया। तो कोई भी अनवांटेड चीज होती है, अननेसेसरी की चीज होती है जिसकी जरूरत हमको नहीं होती है, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो सॉइल में हो, या फिर वो आपके नॉइस में हो, ये सभी आपके बनते हैं फिर पॉल्यूशन के टाइप्स। ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करते हैं एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन यानी कि कोई भी अनवांटेड अननेसेसरी की चीज जो कि आपके एयर के अंदर प्रेजेंट है और एयर को वो क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, एयर को वो खराब कर रही है, वो होता है आपका एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। AQI क्या है? AQI जो है उसकी फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब हर जगह का अपना अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसके नाम में ही इसका मतलब लगाया हुआ है, एयर क्वालिटी। आपके जो शहर है उसकी एयर जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, CPCB जो है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने AQI जो इंडेक्स है उसको डेवलप किया था। ठीक है, एयर क्वालिटी क्या दिखाता है, आपके जो टाउन है, आपका जो शहर है, उसकी एयर की क्वालिटी किस तरीके से है, ये आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ पे टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स आपको दिखेंगे, 8 आपको है ना हार्मफुल प्रदूषक जो है वो यहाँ पे दिखेंगे। उनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि PM10 हो गया, PM2.5 हो गया। PM क्या है? पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? ये काफी छोटे छोटे से कण होते हैं, काफी छोटे छोटे काफी बारीक कण होते हैं जो आपको दिखते भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही आप सांस लेते हो है ना, आप एक्सहेल करते हो, इनहेल करते हो, तो उसके साथ में आपके बॉडी में आ जाते हैं, तो ये काफी छोटे छोटे से कण होते हैं जिसको हम पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर जो है वो दो साइज में हम मोस्टली पढ़ाई करते पढ़ते हैं इनको, एक होता है पर्टिकुलेट मैटर 10 और एक होता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है, फिर हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, आपकी हीमोग्लोबिन में आपके ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को बनाता है। ठीक है, ओजोन भी आपका एक पॉल्यूटेंट है, अमोनिया और लेड। ठीक है, ये सब आपके क्या है, आपके हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर बताए गए हैं। टोटल 8 हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, ये बाद में मिलकर आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये भी बाद में आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से आपकी अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन जो है वो होती है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये 8 आपके हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स आते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। 8 पॉल्यूटेंट्स के साथ साथ यहाँ पे आपकी 6 कैटेगरी भी दे रखी है। मैंने बताया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, आपका जो शहर है वहां के एयर की क्वालिटी किस तरीके से है, आपके जो शहर में जो एयर है वो किस क्वालिटी की है, वो दर्शाता है ये पूरा का पूरा इंडेक्स। तो यहाँ पे 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, 0 से लेके 500 तक, ये 6 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 0 से 50 अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, यानी कि आपके एयर की क्वालिटी कैसी है, गुड है। ठीक है, अगर 51 से 100 आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, आपकी एयर की क्वालिटी कैसी है, संतोषजनक है। अगर 100 से 200 के बीच में आपका AQI आता है, यानी कि मॉडरेट है, आपकी एयर की क्वालिटी कैसी है, मॉडरेट लेवल की है। 200 से 300 के बीच में आपका अगर AQI आता है, यानी कि पुअर, आपकी एयर की क्वालिटी पुअर है। अगर 300 से 400 के बीच में आपका AQI आता है, यानी कि वेरी पुअर, आपकी जो एयर की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब है। ठीक है, और अगर 400 से 500 के बीच में किसी शहर का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है, तो वहां पे उसको सीवियर कह देते हैं, वहां पे रेड जोन उसको घोषित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सीवियर यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब क्वालिटी है वहां की। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स ने। ठीक है, जहाँ पे आपको 6 अलग अलग कलर्स भी देखने को मिलेंगे, हर कलर कुछ ना कुछ डिनोट करा है, जैसे कि बहुत ही डार्क रेड है वो सीवियर को दिखा रहा है, थोड़ा सा लाइट रेड है वो आपका वेरी पुअर को दिखा रहा है, ग्रीन जो है वो गुड को दिखा रहा है। तो अलग अलग कलर्स जो है वो अलग अलग सिंबल को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 कैटेगरीज है जहाँ पे नंबर्स में डिवाइड किया गया है और कलर्स के अंदर यहाँ पे इसको डिनोट किया गया है। ये होता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ऐसी गैसेस होती है जो कि आपके एनवायरमेंट में है ना प्रेजेंट होती है, और ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग
करने में आपकी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओजोन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, सीएफसी, सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर जो है ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग ग्रीन हाउस गैसेस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैसेस होती है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। और ये छह आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, एट आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये सब कुछ आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या दिखाता है कि किसी शहर का किसी जगह का एयर की क्वालिटी कैसी है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल दिखाता है ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन को। अब जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये हम दो लेवल के बेसिस पे इसको है ना कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सी गैस है ना एयर में कितने ज्यादा लंबे समय तक प्रेजेंट रहती है। अब कुछ गैसेस जो है वो एयर में आपके काफी लंबे समय तक रहती है, कुछ गैसेस जो है वो जैसे ही एयर में जाती है वैसे ही वो वहां से डिजोल्व हो जाती है, यानी कि कुछ गैसेस एयर में काफी ज्यादा लंबे समय के लिए टिक पाती है, कुछ लंबे समय के लिए नहीं टिक पाती है। ठीक है, तो कौन सी गैस कितने ज्यादा लंबे समय के लिए आपकी एयर में प्रेजेंट है उसको देखते हैं। एक तो हम एयर आपकी है ना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में, दूसरा इंडिकेटर क्या है इसका, दूसरा इंडिकेटर है कि कौन सी गैस कितनी ज्यादा सूर्य की जो किरणें आ रही है उसको ट्रैप कर पा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, हमारे अर्थ में जो जो सूर्य की जो किरणें आती है, सन की जो रेज आती है, वो हमारी अर्थ के पास में अर्थ में आती है और आने के बाद में वो वापस से जो किरणें हैं वो वापस से यहाँ से डाइवर्ट होकर चली जाती है। ठीक है, अब कुछ किरणें जो है वो यहाँ पे आती है और कुछ जो है वो यहाँ पे रह जाती है एटमोसफेयर के अंदर, कुछ जो है वो वापस यहाँ से डिजोल्व हो जाती है, वापस यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो अभी हमने काफी सारी गैसेस के नाम पढ़े, ये गैसेस क्या करती है, ये गैसेस सूर्य की किरणों को ट्रैप कर लेती है, उनको वापस जाने नहीं देती है। ठीक है, उनको एयर के अंदर पकड़ के रखती है, उनको एटमोसफेयर के अंदर पकड़ के रखती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो है ना टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अब भाई अगर सूर्य की किरणें यहाँ पे आती रहेगी तो अर्थ का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, अब अर्थ की जो सूर्य की किरणें हैं वो आती है और आने के साथ साथ चली भी जाती है, ये तो आपका जो फिनोमिना है वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, जो आपकी सूर्य की किरणें आ रही है उनको वापस जाने नहीं देती है, वो उनको ट्रैप करके यहीं पे ही रख लेती है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। ये काम करती है ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, सिंपली आपकी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही है, सूर्य की किरणों को वापस जाने ही नहीं दे रही है, उनको यहाँ पे ट्रैप करके रख रही है, यहीं पे ही उनको पकड़ के रख रही है एटमोसफेयर के अंदर। ठीक है, इसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है और इससे आपका ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको ही हमने नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसको हम दो इंडिकेटर के बेसिस पे नापते हैं। सबसे पहला तो कौन सी गैस कितने ज्यादा समय तक वातावरण में प्रेजेंट रहती है, दूसरा कौन सी गैस कितनी ज्यादा सूर्य की किरणों को ट्रैप करके रखती है। ठीक है, इन दो इंडिकेटर के बेसिस पे हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को नापते हैं। अब यहाँ पे काफी सारी गैसेस है जो आपके कुछ है ना आपके फर्स्ट यानी कि कुछ आपके हाईएस्ट ऑर्डर में है, कुछ आपके लोएस्ट ऑर्डर में है, लेकिन हमने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम यहाँ पे जो बेस लाइन है वो हमने बनाया है CO2 को। CO2 क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने माना है कि जो CO2 है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबका बेस बनेगा। अब हमको किसी भी चीज को अगर नापना होता है, नापतोल हमको करना होता है, तो हम एक चीज को बेस मान के चलते हैं कि भाई इसके आधार पे हम बाकी चीजों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने वो जो आधार है ना, वो आधार बनाया है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को वो हमने आधार बना लिया कि अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पे बाकी सभी गैसेस को नापेंगे कि कौन सी गैस कितने ज्यादा सूर्य की किरणों को ट्रैप कर रही है और कौन सी गैस कितने ज्यादा लंबे समय तक वातावरण में रह पा रही है। ठीक है, तो ये हमने बेस माना है किसको, CO2 को। तो CO2 का जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि हमने इसको बेस माना है। अब इसके कंपैरिजन में हम बाकी सारी गैसेस को चेक करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है CO2, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। फिर आता है आपका मीथेन CH4, जिसका साइन है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 42-70 है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड आता है। फिर आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम HFCs बोलते हैं। फिर आपका परफ्लोरोकार्बन, जिसको हम PFCs बोलते हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है,
वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सबसे ज्यादा किसका है, वो है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। ठीक है, ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एयर पोल्यूशन में, वो हमने कवर कर ली। अब आता है हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर किस तरीके से पल्यूट होता है, तो पानी में कुछ भी अननेसेसरी की चीजें होती है, अनवांटेड चीजें होती है, जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पानी में प्रेजेंट है, तो वो आपका वाटर पोल्यूशन फैलाती है। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन में तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिससे आपका एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, और अभी दिसंबर के एग्जाम में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने पेपर्स को एनालाइज किया होगा, तो आपने देखा होगा कि दिसंबर के एग्जाम में भी आपको, है ना, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो है वो बना ही था। ठीक है, अभी टॉपिक क्या है, आपसे पूछते हैं कि ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक लेक्स क्या होते हैं। ये टर्म्स आपने सुनी होगी, ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लगाया है, ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। ठीक है, अब इन टर्म्स का मतलब क्या है, ये आपके वाटर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक लेक का मतलब क्या है, हमारे पानी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा अधिक हो जाती है, जब पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो पानी जो है वो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा, जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सिंपली जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा अधिक हो जाती है, और अधिक होने की वजह से पानी जो है वो आपका गंदा हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पानी में काफी ज्यादा एल्गल ब्लूम्स आपको दिखते होंगे कहीं कहीं पे, जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं। तो वो काई क्या है, वो काई और कुछ नहीं है, वो काई है आपका न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के अंदर काफी ज्यादा अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी के ऊपर जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर की परत जम चुकी है, जिसको हम इंग्लिश में एल्गल ब्लूम्स कहते हैं, और हिंदी में हम उसको काई के नाम से जानते हैं। वो क्या है, वो पानी आपका यूट्रॉफिक पानी कहलाता है, यानी कि उस पानी का यूट्रॉफिक लेवल जो है वो काफी ज्यादा हाई है, और इसका मतलब है कि पानी जो है वो गंदा है। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो कि तीनों में आपको फर्क दिख रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यूट्रॉफिक क्या होता है, जहां पे पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा अधिक होती है, यानी कि पानी का जो यूट्रॉफिक लेवल है वो काफी ज्यादा अधिक है, पानी जो है वो काफी ज्यादा गंदा है। ठीक है, आपका इसमें दूसरा आता है ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक क्या है, ये फर्स्ट वाली इमेज आप देखोगे तो आपको एकदम क्लीन पानी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्लीन पानी दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे ओलिगोट्रॉफिक में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा कम होती है। ठीक है, यूट्रॉफिक में तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा अधिक होती है, इसका मतलब पानी काफी ज्यादा मैला है। ओलिगोट्रॉफिक में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो काफी कम होती है, इसका मतलब पानी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम है, यानी कि पानी कम मैला है। ठीक है, और फिर आता है आपका एक मेसोट्रॉफिक, ये बीच वाली इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मेसोट्रॉफिक क्या होता है, मेसोट्रॉफिक का मतलब होता है कि पानी में ना ही न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा अधिक है और ना ही कम है, मीडियम लेवल है। मेसोट्रॉफिक क्या है, मीडियम लेवल है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, तो ये होता है आपका मेसोट्रॉफिक। ठीक है, तो यूट्रॉफिक जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा हाई है, ओलिगोट्रॉफिक जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है, मेसोट्रॉफिक जो कि आपका मीडियम लेवल है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए। अगला आता है हमारे पास में एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज से भी काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम शुरू करते हैं सोलार एनर्जी से। सोलार एनर्जी क्या है, ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है हमारे पास में सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी क्या होती है, सोलार एनर्जी होती है कि जो भी आपकी सूर्य की किरणों, सूर्य की जो किरणें आ रही है, उससे जो हम एनर्जी बनाते हैं, सोलार रेडिएशन से, सोलार रेज से जो भी हम, है ना, एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलार एनर्जी। ठीक है, अब ये सोलार एनर्जी क्या होती है, इसको किस तरीके से हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सोलार एनर्जी में आपने देखा होगा कि काफी बड़े बड़े पैनल्स जो हैं वो घर के बाहर या फिर छतों पे लगे हुए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम SPV पैनल्स बोलते हैं। SPV की फुल फॉर्म क्या है, सोलार फोटोवोल्टेइक पैनल्स इनको कहा जाता है। सोलार फोटोवोल्टेइक पैनल इसको हम कहते हैं, जो कि SPV पैनल भी बोल सकते हो या फिर SPV सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब सोलार फोटोवोल्टेइक पैनल्स तो हमने देख लिए कि भाई अच्छा, उनको हम सोलार फोटोवोल्टेइक पैनल्स बोलते हैं। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट भी होता है। अभी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है, फोटोवोल्टेइक प्रभाव क्या होता है, सनरेज केम ऑन द PV पैनल एंड जनरेट एनर्जी, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। सूर्य की किरणें पीवी पैनल पर आती है और ऊर्जा को उत्पन्न करती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो जो आपका फोटोवोल्टेइक पैनल है उस पर गिरती है, और उस पर गिरने की वजह से आपकी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टेइक प्रभाव, यानी कि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ठीक है,
अब स्ट्रक्चर क्या होता है पीवी सेल्स का, जो आपका फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक पैनल्स जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में होता है सोलार सेल, सेल से बनता है आपका मॉड्यूल, और फिर मॉड्यूल से बनता है आपका सोलार एरे। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले आता है हमारे पास में ये एक सेल होता है, ठीक है, एक छोटा सा सेल होता है। आपने तो देखा होगा ये आपका है पूरा सोलार पैनल। इस पैनल में ये जो एक एक ब्लॉक है ना, सिर्फ एक ब्लॉक छोटा सा, ये है आपका एक सेल। अब ऐसे काफी सारे सेल मिला के आपका पूरा एक मॉड्यूल बनाते हैं। ये जो एक ब्लॉक है इसको हम एक मॉड्यूल कहेंगे। तो काफी सारे सेल मिला के आपका एक मॉड्यूल बन गया, जिसको हम सोलार मॉड्यूल बोलेंगे। और काफी सारे मॉड्यूल मिला के आपका पूरा एक एरे बन गया, जिसको हम फोटोवोल्टिक पैनल कहते हैं। ये पूरा आपका एरे बन गया, यानी कि सबसे पहले एक सेल होता है, काफी सारे सेल को मिला के मॉड्यूल बनता है, और काफी सारे मॉड्यूल्स को मिला के सोलार एरे बनता है, जिसको हम पैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा स्ट्रक्चर सोलार पैनल का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और सोलार सेल इज अ सेमी कंडक्टर एंड मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सोलार सेल्स जो होते हैं वो आपके सेमी कंडक्टर से बनते हैं। सेमी कंडक्टर कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन काफी ज्यादा अच्छा सोलर आपका है ना सेमी कंडक्टर होता है, काफी अच्छा सेमी कंडक्टर होता है आपका सिलिकॉन। तो सोलार सेल्स जो है वो आपके सिलिकॉन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ही हमारा एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल सोलार अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलार अलायंसेस क्या है? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू करा है 2015 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको रिन्यूएबल सोलार एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, काफी डिटेल में कुछ भी मैं नहीं लेकर आई हूँ, शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शॉर्ट नोट्स जिसको आप बोल सकते हो, वो मैं खुद से बनाकर लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इस पीडीएफ को देख के आप बाद में डाउनलोड कर सकते हो इसको, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके फ्री में मिल जाएगी पीडीएफ आपको। ठीक है, और इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, फिर रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलार अलायंस है, जो कि आपका 2015 में आया है। इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हमको सोलार एनर्जी को क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को हमको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इट इज ओनली फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड ऑल्सो नोन एज सनशाइन कंट्रीज। लेकिन अब ये सभी के लिए ओपन हो चुका है, यानी कि सबसे पहले जो आपका आईएसए जब स्टार्ट हुआ था, तब सिर्फ और सिर्फ ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए ही था। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज वाला टॉपिक जो है वो मैंने आपको काफी बार समझाया है क्लासेस में, कि ये जो आपका इक्वेटर होता है, इससे ऊपर होती है आपके पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होती है इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। तो जो ये ट्रॉपिकल एरिया है, ये आपका होता है ट्रॉपिकल एरिया, इससे ऊपर आता है आपके पास में टेम्परेट एरिया। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, सिर्फ इन एरियाज में जितनी भी कंट्रीज आती है, सबसे पहले आईएसए उन्हीं कंट्रीज के लिए था। अब ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो इन कंट्रीज पे डायरेक्टली पड़ती है। अगर हमको सौर ऊर्जा बनानी है, तो उन कंट्रीज की हमको ज्यादा मदद लेनी पड़ेगी जहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ रही है, और अच्छी खासी मात्रा में पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ये ऐसे एरिया में आती है, ऐसे जोन में आती है जहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती है और काफी अच्छी खासी मात्रा में पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहीं पे ही ज्यादा सोलार एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसलिए आईएसए जो है वो पहले ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए ही था, लेकिन बाद में है ना जो आईएसए है इसको सभी कंट्रीज के लिए ओपन कर दिया था, कोई भी इसको फिर ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, और ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, इनको हम सनशाइन कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हमारा वन सन वन वर्क वन ग्रिड जो है वो इंडिया का इनिशिएटिव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वन सन वन वर्क एंड वन ग्रिड। ठीक है, तो ये है आईएसए के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मुख्यालय गुरुग्राम में है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये उष्णकटिबंधीय देशों के लिए था पहले, लेकिन बाद में सभी के लिए ओपन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी। सोलार एनर्जी देख ली हमने, दूसरी आपकी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? हवा से, यानी कि जो आपकी विंड होती है उससे जो भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस एनर्जी को हम काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी जो है वो आपकी तीन टाइप्स की होती है। पहली है यूटिलिटी स्केल, फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर है आपके पास में ऑनशोर और ऑफशोर। ठीक है, यूटिलिटी स्केल क्या है? साइज ऑफ विंड टर्बाइन रेंज फ्रॉम 100 किलोवाट टू सेवरल मिलीवाट। ठीक है, आपके यहाँ पे यूटिलिटी सेल्स में यूटिलिटी स्केल में क्या होती है? अब हम जो विंड एनर्जी है उसको समझते हैं थोड़ा सा। विंड एनर्जी प्रोड्यूस किस तरीके से होती है? विंड एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं विंड टर्बाइंस से। विंड टर्बाइंस को हिंदी में बोलते हैं पवन चक्कियां। आपने देखी होगी काफी अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती है। वो पवन चक्कियों का क्या काम होता है? उनका काम होता है विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो विंड एनर्जी जो है वो आपकी मेजरली काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूटिलिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर स्मॉल स्केल की विंड एनर्जी। ठीक है, तो यूटिलिटी स्केल क्या होती है? यूटिलिटी स्केल होती है जहाँ पे विंड टर्बाइन जो है उसकी जो साइज है वो होती है 100 किलोवाट्स तक।
और स्मॉल स्केल की जो साइज है वो क्या होती है, उनकी साइज जो है वो छोटी होती है। यूटिलिटी स्केल में विंड टर्बाइन जो है वो आपकी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर स्मॉल स्केल में विंड टर्बाइन जो है वो आपकी छोटी स्मॉल साइज की होती है, इतना सा समझ लो। ठीक है, एक होती है ऑफशोर और एक होती है ऑनशोर विंड टर्बाइन। ऑनशोर विंड टर्बाइन क्या होती है, जो कि आपकी लैंड के ऊपर होती है, जमीन पे होती है, ये तो हमने हर बार देखी है। ठीक है, लेकिन ऑफशोर भी होती है, यानी कि वाटर बॉडीज में, पानी में भी आपकी विंड टर्बाइन जो है वो काम करती है। ठीक है, पानी में हमने नहीं देखी होगी, हमने मोस्टली लैंड पे देखी होगी, लेकिन ऑफशोर यानी कि पानी के अंदर भी विंड टर्बाइन जो है वो आपकी होती है, जो कि काम करती है। ठीक है, तो विंड टर्बाइन ऑफशोर भी मिलेगी आपको और ऑनशोर भी मिलेगी। ठीक है, तट के ऊपर भी मिलेगी और आपको पानी में भी मिलेगी। ठीक है, अब जो विंड टर्बाइन है वो आपको दो तरीके के देखने को मिलेगी, एक होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक होती है क्षैतिज अक्ष और एक होती है ऊर्ध्वाधर अक्ष, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, आप इसको देख सकते हो। ऐसी जो विंड टर्बाइन होती है इनको हम वर्टिकल विंड टर्बाइन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल विंड टर्बाइन हम इसको कहते हैं, और ये जो आपकी होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्टिकल है, कौन सी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है सबमिट्स एंड प्रोटोकॉल्स। काफी अलग अलग सबमिट्स दे रखी है आपके सिलेबस में, सिलेबस के अंदर, जहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो उन सबमिट्स में से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अर्थ सबमिट से। अर्थ सबमिट क्या है, आपकी अर्थ सबमिट्स हुई थी, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुए थे, टोटल 3 शिखर सम्मेलन हुए थे। ठीक है, पहला आपका फर्स्ट अर्थ सबमिट जो है वो हुआ था 1992 के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था। ठीक है, जहाँ पे 3 नॉन बाइंडिंग कन्वेंशन जो है वो आई थी और 3 बाइंडिंग कन्वेंशन आई थी। अब बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग मतलब कंपलसरी, ऐसी चीज जो कि कंपलसरी है, जो कि सभी देशों को माननी ही पड़ेगी। नॉन बाइंडिंग मतलब नॉन कंपलसरी। ठीक है भाई, बाइंडिंग यानी कि कंपलसरी, तो नॉन बाइंडिंग यानी कि नॉन कंपलसरी, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है ना। तो जो आपकी पहली अर्थ समिट हुई थी, जो आपका पहला है ना पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर, आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था, और यहाँ पे 3 तो आपके पास में गैर बाध्यकारी सम्मेलन हुए थे इसके ही अंदर, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही 3 तो हुए थे बाध्यकारी सम्मेलन और 3 हुए थे गैर बाध्यकारी सम्मेलन, यानी कि 3 हुए थे बाइंडिंग कन्वेंशन, जो कि सबके लिए बाध्यकारी थे, कंपलसरी थे, मानने ही पड़ते, और 3 थे नॉन बाइंडिंग यानी कि गैर बाध्यकारी सम्मेलन। ठीक है, अब नॉन बाइंडिंग कौन से थे, रियो डी जेनेरो हो गया, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये तीनों थे आपके पास में गैर बाध्यकारी, है ना। और आपके पास में बाध्यकारी कौन से थे, सीबीडी जिसको हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, एक UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और एक हो गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसको हम UNCCD भी कहते हैं। तो UNFCCC यानी कि UNFCCC, CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNCCD, ठीक है, ये तीनों ही आपके बाध्यकारी थे। बाकी जो दूसरे 3 थे आपके रियो डी जेनेरो, फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21, ये आपके गैर बाध्यकारी थे। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली अर्थ समिट। फिर दूसरी अर्थ समिट हुई थी 2002 के अंदर, है ना, इसको हम Rio+10 भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि पहले वाली जो हुई थी 1992 के अंदर, उसके 10 साल बाद में आई थी दूसरी वाली, और इसके भी 10 साल बाद में आई थी तीसरी वाली आपकी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, दूसरा वाला जो शिखर सम्मेलन है वो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था, और तीसरा जो है वो आपका अगेन रियो डी जेनेरो में हुआ था 2012 के अंदर, जिसको हम Rio+20 भी कहते हैं, क्योंकि पहले वाली से ये 20 साल बाद में आई थी और दूसरी वाली से ये 10 साल बाद में आई थी इसलिए। ठीक है, तो ये तीनों शिखर सम्मेलन कब हुए थे, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपकी COP1 हुई थी बर्लिन में, COP2 हुई थी जेनेवा में, और COP3 हुई थी क्योटो में। क्योटो कहाँ पे है, जापान में है, जहां से आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आया है। ठीक है, कॉप क्या है, कॉप है आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है, देश जो है वो कुछ कहना कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। पहली हुई थी बर्लिन में, दूसरी जेनेवा में, तीसरी क्योटो में, जापान में। ठीक है, यहाँ से आपके पास में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 के अंदर एक प्रोटोकॉल आया था 1997 के अंदर, लेकिन 2005 में ये इफेक्ट में आया था। 1997 में तो इसको अडॉप्ट किया था, 2005 में ये इफेक्ट में आया था, प्रभाव में आया था। ठीक है, क्योटो के अंदर जापान में, क्योटो कहाँ पे है, जापान में है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, हमने क्योटो प्रोटोकॉल हम लेकर आए थे ये प्रोटोकॉल, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज अभी हमने पढ़ी थी ना एयर पोल्यूशन में, उन ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पे रिड्यूस करना था। और कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को, 6 ग्रीन हाउस गैसेस को।
ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात हुई थी। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, इट वॉज लीगली बाइंडिंग ऑन डेवलप्ड नेशंस, यानी कि बाइंडिंग यानी कि कंपलसरी, अभी मैंने आपको बताया बाध्यकारी, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बाध्यकारी था लेकिन सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के लिए, यानी कि जो आपके विकसित देश है जिनका विकास ऑलरेडी हो चुका है, तो जो आपके विकसित देश है जो आपके डेवलप्ड नेशंस है उनके लिए बाइंडिंग था, उनके लिए बाध्यकारी था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें दो कमिटमेंट पीरियड्स हुए थे। अब आपके जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें क्या बात हुई थी कि हमको ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को हमको रिड्यूस करना है लेकिन दो कमिटमेंट पीरियड्स में। अब अगर मैं कुछ भी कोई भी डिसीजन लूंगी कि भाई मेरे को अपनी लाइफ में ये करना है या फिर वो करना है, तो मैं एक दिन में सारा प्लानिंग नहीं कर सकती हूँ, है ना, या फिर मैं एक दिन में सब कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे को है ना छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को बांट लेना पड़ेगा, टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, गोल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ, यहाँ पे दो कमिटमेंट पीरियड आए। पहला कमिटमेंट पीरियड आया 2008 से 2012 तक, जहाँ पे कहा गया कि हम 5% ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और फिर आया 2013 से 2020 में एक और कमिटमेंट पीरियड, जहाँ पे कहा गया कि हम 18% ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। दो अलग अलग पीरियड्स में, दो अलग अलग आपको है ना कितने परसेंटेज ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है वो दे रखा है, पहले में 5%, दूसरे में 18%, ठीक है। और ये आपका प्रिंसिपल पे काम करता है CBDR, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपका CBDR के प्रिंसिपल पे काम करता है। CBDR का सिद्धांत क्या बात करता है, सामान्य लेकिन भिन्न जिम्मेदारी, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकता है या फिर प्रीवियस ईयर में बना भी है और आगे भी और बन सकते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कुछ है ना डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए मैं क्लास लेकर आई थी, सिर्फ रिविजन के लिए, लेकिन अगर आपको इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन पे जाके आप पेपर वन का जो मेरा बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। काफी कम प्राइस रखी गई है पेपर वन के बैच की। अगर आपको और इसमें 30% ऑफ चाहिए तो आप HR30, ठीक है, HR30 का अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको 30% और ऑफ मिल जाएगा मेरे पेपर वन के बैच में, जहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। यहाँ पे तो मेरे को एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक है ना रिविजन पर्पज के लिए बनानी थी वीडियो, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में मैंने चीजों को बताया है, लेकिन बैच में सब कुछ बहुत ही डिटेल में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सारा कुछ जो है वो आपका कवर हुआ है। तो अगर आप सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।